नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। वक्त हो चला है स्पीड बुलेटिन का, तो चलिए फटाफट अंदाज में शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। आदर्श आचार संहिता की पालना को लेकर गंभीर, चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन का केंद्र को आदेश, चुनावी राज्यों में वैक्सीन सर्टिफिकेट से हटाए पीएम मोदी की फोटो। बीजेपी में शामिल हुए टीएमसी के पूर्व सांसद दिनेश त्रिवेदी दिल्ली में जेपी नड्डा की मौजूदगी में हुए शामिल। ममता के करीबी रहे हैं त्रिवेदी और बोले कि बंगाल में हिंसा से जनता परेशान है, अब हो रहा है असली परिवर्तन। असम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की सूची, मौजूदा 11 विधायकों के कटे पत्ते। आपको बता दें कि साल 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 60 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि एजीपी को 14 सीटों पर जीत मिली थी। पश्चिम बंगाल में चरम पर सियासी संग्राम, रविवार को कोलकाता में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए जोरदार तैयारियों में जुटी है बीजेपी और बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय खुद कोलकाता वासियों को दे रहे हैं निमंत्रण। यूएन ने म्यांमार सैन्य तख्तापलट पर तत्काल कार्रवाई करने का किया आह्वान, घटनाक्रम पर भारत की भी करीबी नजर है। आपको बता दें कि म्यांमार में 1 फरवरी को हुए सैन्य तख्तापलट की घटना के बाद से ही वहां के कुल 16 नागरिकों ने भारतीय सीमा पार कर मिजोरम में शरण ली है। उत्तराखंड में तेज हुई राजनीतिक हलचल, बीजेपी के हाईकमान ने भेजे हैं 2 ऑब्जर्वर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और बीजेपी महासचिव ऑब्जर्वर के रूप में उत्तराखंड पहुंचे और कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे। अनूपगढ़ के कैलाश पोस्ट पर मारा गया आतंकी घुसपैठिया, भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कर रहा था कोशिश, बीएसएफ के जवानों ने कहा था आत्मसमर्पण करने को। पीएम मोदी की अध्यक्षता में गठित समिति में विपक्ष के भी दिग्गज शामिल हैं, ममता बनर्जी के साथ सोनिया गांधी का भी नाम है और अगले साल आजादी के 75वें साल के कार्यक्रमों के लिए बनाई गई थी 259 सदस्य कमेटी। कार के मालिक हिरेन मनसुख ने यहां सीएम को पत्र लिखा था और पुलिस और मीडिया पर लगाया था परेशान करने का आरोप। पत्र में लिखा था पुलिस और मीडिया की तरफ से परेशान किया जा रहा है, महाराष्ट्र एटीएस को जांच सौंपी गई है। किसान आंदोलन के 100वें दिन पूरे हो गए हैं और केएमपी एक्सप्रेस वे पर 5 घंटे तक चक्का जाम किया जा रहा है। टोल प्लाजा को भी यहां फ्री कराने की कोशिश की जा रही है। काली पट्टी बांधकर कृषि कानूनों का विरोध किया जा रहा है। देश में फिर बेकाबू हुई कोरोना की रफ्तार, बीते 24 घंटे में सामने आए हैं 18,327 नए मामले, जबकि 108 मरीजों की मौत हुई है। इसी के साथ देश में अब तक कोरोना के कुल मामले 1,11,92,088 हो गए हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली सहित कई अन्य राज्यों में फिर कोरोना डराने लगा है, तेजी से केस बढ़ रहे हैं और महाराष्ट्र में शुक्रवार को कोरोना के 10,216 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 53 की मौत हुई है। आपकी सुरक्षा के लिए मोदी सरकार का बड़ा कदम, 1 अप्रैल से हर कार में जरूरी होगा एयरबैग। सड़क और परिवहन मंत्रालय ने 1 अप्रैल के बाद बनने वाली हर नई कार में एयरबैग लगाना अनिवार्य किया है। तमिलनाडु में एआईएडीएमके से बीजेपी का गठबंधन, 20 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। कन्याकुमारी लोकसभा सीट भी मिली है। आपको बता दें कि कन्याकुमारी की सीट सांसद एच बसंत कुमार के निधन से रिक्त हुई थी। आईटी रेड मामले में तापसी पन्नू के बॉयफ्रेंड ने खेल मंत्री से मांगी है मदद, तो किरण रिजिजू ने कहा है कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। दूसरी तरफ तापसी ने ट्वीट कर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कंगना रनौत समेत आईटी विभाग पर तंज कसा है। यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी की सल्तनत पर एलडीए का बुलडोजर चला है, ध्वस्त की गई है इमारत और आरोप है कि हसरतगंज में रानी सल्तनत प्लाजा नक्शा पास किए बिना ही बनाया गया था। जयपुर में जेसीटीएसएल के बगराना आगरा का लोकार्पण किया गया, मिडी बसों का भी शुभारंभ किया गया है और यूडीएच मंत्री शांति भारीवाल के आवास पर ये लोकार्पण कार्यक्रम हुआ है। जोधपुर के सरदारपुरा बी रोड पर नजर आया आतंक, हाथों में पाइप लेकर निकले बदमाश, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात और अब तक 4 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। तो वहीं कोटा के गोविंदनगर में युवक पर फायरिंग की गई, बाल बाल बच गया युवक। प्रतापगढ़ में ड्रग्स माफिया के खिलाफ पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी, 45 लाख रुपए की ब्राउन शुगर बरामद की गई है और 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है।
जोधपुर में भाजपा के एक युवा नेता का वीडियो वायरल हो रहा है। बर्थडे पार्टी का ये वीडियो वायरल हो रहा है। कोरोना वायरस के बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। हालांकि फर्स्ट इंडिया न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बीकानेर के नोखा में दो बच्चों के साथ कुंड में गिरी महिला, डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई है। आरके पुरम कॉलोनी की ये घटना बताई जा रही है। औरंगाबाद के दौलतबाद किले में लगी भीषण आग, पर्यटकों को किले से बाहर निकाला गया है सुरक्षित और फिलहाल किसी को हताहत की खबर नहीं आई है। जोधपुर के सरदारपुरा बी रोड पर गुंडागर्दी के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से स्कॉर्पियो भी बरामद की है। कोटा के उद्योगनगर थाना क्षेत्र के गोविंद नगर में बाइक सवार दो बदमाशों ने एक युवक पर फायरिंग कर दी। हालांकि निशाना चूकने से युवक बच गया और जिसके बाद बदमाश फरार हो गए। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में चोरी के आरोपी को जो है यहां से वो थाने से फरार हो गया और पुलिस कर्मियों के सामने ही चोर थाने की दीवार कूद कर भाग गया। पाली के सादड़ी थाना क्षेत्र के सरथोर गांव में घाची समाज के मोहल्ले में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और तीन मकानों में रखी कीमती सामान चुरा कर फरार हो गए। कोटा में जिला परिषद के आईईसी विभाग द्वारा गांव-गांव में जागरूकता रथ को घुमाया जा रहा है, जिसमें मनरेगा के साथ राज्य सरकार द्वारा गांव और ग्रामीणों के विकास के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। बांसवाड़ा में जिला रसद विभाग की ओर से जिले और शहर के राशन डीलरों के बाट माप सत्यापन के लिए एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में राशन डीलर अपने बाट माप लेकर पहुंचे। सीकर के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में पीने के पानी की समस्या से परेशान शहरवासियों ने जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों का घेराव किया। करीब एक घंटे तक घेराव के बाद अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिए जाने पर मामला शांत हुआ है। बांसवाड़ा के अंबापुरा थाना क्षेत्र के ऊपरी नाल गांव में एक युवक ने जहरीली दवा पीकर जान दे दी, जिसके बाद शव का महात्मा गांधी अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया गया है। बांसवाड़ा न्यायालय से जुड़े तमाम कर्मचारी और अधिवक्ताओं का वैक्सीनेशन करवाया गया। इसके लिए न्याय विभाग से जुड़ी संस्थाओं में रजिस्ट्रेशन करवाया गया, तो वहीं कुल 204 लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। बांसवाड़ा शहर में एक बार फिर से कोविड-19 का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और यही कारण है कि जिले में लगातार रोगी भी बढ़ रहे हैं। स्थिति ये है कि बीते 6 दिन में 44 नए मरीज सामने आए हैं। केशवरायपाटन शुगर मिल चालू करने की मांग को लेकर चल रहा अनशन लगातार जारी है। अनशन में मेडिकल टीम ने धरना स्थल पर पहुंचकर अनशन पर बैठे सदस्यों की जांच की है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में चोरों ने डबलगढ़ रोड पर स्थित मारुति बालाजी के मंदिर में ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने मंदिर से चांदी के छत्र सहित अन्य सामान लेकर फरार हो गए। पाली के देसुरी में राजस्थान सरकार की ओर से चलाए जा रहे पूरा काम पूरा दाम अभियान के तहत जागरूकता रथ निकाला गया। ये रथ गांव-गांव जाकर ग्रामीणों को जागरूक करेगा। बौली के बहनोली गांव में अवैध बजरी परिवहन सूचना पर प्रशिक्षु आरपीएस इंदु लोधी ने छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दिया और परिवहन करते तीन डंपर को जब्त किया है। अलवर जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया और उनकी पत्नी संतोष देवी ने राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय के कोविड टीकाकरण केंद्र पर पहुंचकर वैक्सीनेशन करवाया। इस दौरान सीएमएचओ डॉक्टर ओम प्रकाश मीणा भी मौजूद रहे। उदयपुर के सायरा थाना क्षेत्र के कदरा गांव में पैंथर आबादी क्षेत्र में घुस गया और पैंथर ने यहां एक मकान में घुसकर बाड़े में बंधी तीन बकरियों को अपना शिकार बना लिया। पिड़ावा में नगर पालिका में बैठक यहां आयोजित हुई और बैठक में जिला परियोजना अधिकारी अशोक कुमार शर्मा और लीड बैंक मैनेजर राकेश माहेश्वरी ने बैंक में लंबित ऋण आवेदनों को निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। झुंझुनू में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के साप्ताहिक समारोह में मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। महिला अधिकारिता विभाग और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में 15 प्रतिभागियों ने भाग लिया है। झुंझुनू के गुड़ागौरजी सहित अंचल के गांवों में फिल्माई जा रही राजस्थानी फिल्म पीसों से को बाप का गाना आशीर्वाद मैरिज गार्डन में फिल्माया गया। क्षेत्र में फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है। अजमेर के खावजा गरीब
नावजा की दरगाह पर राजकोट निवासी अल्ताफ 51 जोड़े लेकर पहुंचे और उनका निकाह करवाया और सभी के जीवन में खुशहाली लाने की दुआ की है। मोटिवेटर डॉक्टर मधुसूदन मनीष मालानी झुंझुनू के चिड़ावा पहुंचे और इस दौरान उन्होंने जाने माने समाज सेवी पूर्व अध्यक्ष गौभक्त झंडी प्रसाद से मुलाकात की और क्षेत्र में सामाजिक कार्यों को लेकर चर्चा की है। दौसा में विधायक मुरारी लाल मीणा ने और इसके साथ ही जीआर खटाना का भव्य स्वागत किया गया और सभापति राकेश चौधरी के नेतृत्व में ये स्वागत किया गया है। बारा के शहबाद कस्बे के बस स्टैंड के पास एक किराने की दुकान में चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर इलेक्ट्रॉनिक टोल काटा और इसके साथ ही कई अन्य सामान चुराकर फरार हो गए हैं। पाली के बीजापुर में जिला कलेक्टर अंशदीप ने 3 गांव के 33 किसानों के खातेदारी पट्टे वितरण किए हैं और इस कार्यक्रम में आरआई किरण सिंह राजपुरोहित और पटवारी मोतीलाल सोलंकी भी मौजूद रहे हैं। एसडीएम सुरेश के एमआर ने नागौर के पादुकला थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण में थाने से संबंधित सभी पहलुओं की जांच की और साथ ही कार्य में प्रगति के लिए जरूरी निर्देश दिए हैं। डूंगरपुर के चाडौली पीएचसी में कोविड-19 वैक्सीनेशन टीकाकरण किया गया। इस दौरान 60 साल से ज्यादा उम्र वाले बुजुर्गों को टीकाकरण किया गया है। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी गोवर्धन लाल यादव ने सिमलवाड़ा क्षेत्र के भादर में स्कूल का निरीक्षण किया और विद्यार्थियों से रूबरू होकर शैक्षणिक गतिविधियों को लेकर जानकारी ली है। बांसवाड़ा के बिलवरापाड़ा में NH-56 पर अनियंत्रित जीप चालक ने स्कूटी चालक को अपनी चपेट में ले लिया और पानी से भरे गड्ढे में जा गिरी और हादसे में स्कूटी चालक की मौके पर ही मौत हो गई। जीप चालक मौके से ही फरार हो गया। तो वहीं नागौर की मेरता सिटी थाना पुलिस ने शहर में बाइक चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया है और वहीं उसके पास से 14 बाइक बरामद की है। जैसलमेर के पोखरण में महेश्वरी भवन में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया जिसमें जनप्रतिनिधियों और आए हुए लोगों को स्मृति चिन्ह भेंट करके अभिनंदन किया गया है। बहरोड की ग्राम पंचायत गंडाला निवासी अलवर सरस डेयरी की पूर्व चेयरमैन ईश्वर देवी का हार्ट अटैक आने से निधन हो गया। निधन की सूचना से ही गांव और परिजनों में शोक की लहर है। भरतपुर के कामा में गैस एजेंसी की सप्लाई गाड़ी चोरी होने के मामले यहां सामने आए हैं और सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। सवाईमाधोपुर जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन और पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने मलाडा डूंगर के राजीव गांधी सेवा केंद्र का यहां औचक निरीक्षण किया और चौपाल में भी यहां सुनवाई की और मौके पर अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए हैं। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में महिला खेल महोत्सव का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर नवरत्न कोली मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। पिड़ावा में दिगंबर जैन समाज की ओर से खंडपुरा में श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन जूना मंदिर में इंद्र स्तंभ शिलान्यास समारोह संपन्न हुआ। श्रावक श्रावकाओं ने यहां स्वर्ण रजत और ताम्र शिलाएं रखकर इंद्र स्तंभ का शिलान्यास किया है। झालावाड़ के पिड़ावा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राजकीय महाविद्यालय में व्याख्याताओं के रिक्त पद भरने और विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दिलवाने की मांग को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री के नाम पर यहां प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा है। करौली के हिंडौन नगर परिषद ने भू माफियाओं को करारा जवाब देते हुए कृषि भूमि पर हो रहे पक्के निर्माण को ध्वस्त करवाया है। भरतपुर के डीके नगर रोड पर एक ट्रक पलट गया और आपको बता दें कि रोड के दोनों साइड वाहनों के आवागमन का रास्ता खराब है जिसके चलते आए दिन यहां हादसे होते रहते हैं। कोटा के बोरखेड़ा थाना इलाके में सूने मकान में हुई लाखों की चोरी के मामले में पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है और चोर मकान से नकदी जेवर और बाइक चुरा कर फरार हो गया था। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने जोधपुर के महात्मा गांधी और मथुरादास माथुर अस्पताल का दौरा किया और अस्पताल की सामान्य सेवाओं का भी यहां निरीक्षण किया और वे काफी हद तक संतुष्ट नजर आए। इसके साथ ही उत्तर पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक आनंद प्रकाश निरीक्षण के लिए ब्यावर रेलवे स्टेशन पहुंचे
और इस दौरान जीएम आनंद प्रकाश का रेलवे कर्मचारियों ने स्टेशन अधीक्षक अशोक भाटी के नेतृत्व में स्वागत किया है। प्रतापगढ़ में पुलिस ने ऑपरेशन मिलाप के तहत कार्रवाई करते हुए एक मां से बिछड़ी 10 महीने की मासूम और उसकी बहन को मात्र 4 घंटे में मिला दिया है। पुलिस की इस कार्रवाई पर ग्रामीणों ने उनकी तारीफ की है। झुंझुनू में अतिक्रमियों के खिलाफ प्रशासन का पीला पंजा चला। जिले के फिलोद में जोहड़ भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। उदयपुर की खान विभाग की टीम और गोगुंदा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध सल्फर से भरे ट्रेलर को जब्त किया है। सीकर जिला मुख्यालय के कल्याण अस्पताल में जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने कोरोना की दूसरी डोज लगवाई। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने 60 साल से ज्यादा वाले उम्र के लोगों को वैक्सीन लगवाने की अपील की है। सवाईमाधोपुर के कोईडाई के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में वार्षिक उत्सव आयोजित हुआ। कार्यक्रम में सरपंच प्रेम देवी बीना और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गोविंद बंसल समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कोटा के नयापुरा थाना पुलिस ने एमबीएस अस्पताल के वाहन स्टैंड के ठेकेदार को 15 लाख रुपए हड़पने के मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ठेकेदार अभय गुप्ता ने करीब 45 लाख रुपए के ठेके की राशि में 15 लाख रुपए बकाया रखी थी। सीकर जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने जिला मुख्यालय के कल्याण अस्पताल में बनाए गए माइल्ड न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर का निरीक्षण किया और सेंटर में भर्ती बच्चों के परिजनों से बातचीत की है। भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश भडाना 2 दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यालय में ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ जरूरी बैठक की है। धौलपुर की रसमथुरा थाना पुलिस ने अवैध हथियार लेकर घूम रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके कब्जे से एक 12 बोर कट्टा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। मेड़ता के इंडस्ट्रियल एरिया स्थित मधुसूदन शॉप में अचानक अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसके इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया है। भवानी मंडी थाना परिसर में नून हॉस्पिटल के सहयोग से 1 दिवसीय शारीरिक जांच चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया और जिसमें समस्त पुलिस कर्मियों की फिटनेस जाँच की गयी है। पाली में लोगों को पैसेंजर ट्रेन का लाभ मिलना शुरू हो गया है। रेलवे मंत्रालय की मंजूरी के बाद जोधपुर साबरमती एक्सप्रेस पैसेंजर का संचालन हुआ है। आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर रुख करते हैं स्पीड न्यूज का। महंगाई के विरोध में पाली में महिला कांग्रेस की ओर से रैली निकाली गई। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। भीलवाड़ा की मंडल थाना पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान पिकअप गाड़ी से 660 किलो डोडा पोस्ट बरामद किए हैं और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सर्वधर्म एकता समिति की ओर से अजमेर में परिंदों की प्यास बुझाने के लिए मिट्टी के सकोरे बांटे गए और महापौर ब्रजलता हाडा की मौजूदगी में ये सकोरे बांटे गए हैं। सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत ने किसान सम्मान निधि से वंचित किसानों का मुद्दा उठाया और कहा कि किसान बार बार सरकारी कार्यालयों में जाकर चक्कर लगा रहे हैं और पोर्टल संबंधित समस्या का आज तक कोई समाधान नहीं हो सका है। पाली में कोरोना से बचाव के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स को दूसरी डोज लगाई गई। बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट में काम करने वाले कर्मचारियों को टीकाकरण किया गया है। और चलिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।